तो फाइनली कंप्लीट हो गई Z2, बोल सकते हैं हम? बोल सकते हो, आपकी मर्जी, जो मर्जी बोल लो, पर दिख रहा है? कहीं से पता नहीं लग रहा। तो फिर Z2 बोलेगी। ऑगलाइट टॉप मॉडल विद बेजल है, 10,000 में कंप्लीट फिटिंग करके जीरो टू टॉप करते हैं। तो ग्रिल की क्रोम 7 स्लॉट हमने ऐड कर दिए 3500 रुपए के अंदर। तो इसके अंदर 17 इंची अलॉय व्हील हम स्टॉक टायर के अंदर डालें। अगर आप जीरो टू टॉप करते हो तो 46 में अलॉय मिल जाता है। वाइपर 7500 में विद वॉशर एक्टिवेट है। चामुंडा भैया दिखा दे। तो ये देखो अंदर क्या है। ये आप लोगों का फेवरेट वाला, जो सबसे ज्यादा पसंद करा है एन में। चामुंडा भैया के चढ़ने के लिए एक चीज और इंस्टॉल करी है, ग्रैब हैंडल्स, जो काफी जरूरत पड़ गई साहब। ये देखो, बोरिंग इंटीरियर हुआ करता था इसका, पर हम रहने नहीं दिए, लीजेंडर बना दिए इसको। और ये J8 वाली हमारा सनग्लास होल्डर, अब दुल्हन के सिंगार हो रहा लास्ट टाइम। और एक्सप्लोर, ये बिंदी लग रहा है, और ये टीका, एड्रिनॉक्स का स्टिकर भी लगा दिया हमने। हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको ये दिखेगा 360। तो आज हम आए थे जय ऑटो रामा रोड, और सोनू भाई अपने साथ हैं। तो सोनू भाई आज क्या दिखा रहे हो? आज हम दिखा रहे हैं आपको Z2 की फुल मॉडिफिकेशन और एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन दोनों उसमें हो रही है। ठीक है, आज लाडली नहीं, लाडली के तीसरा पार्ट नहीं देखा होगा अभी आपने। हाँ। तीसरा देख लोगे शायद इससे पहले, इस वीडियो पहले देख लोगे। बाकी एक गाड़ी और तैयार हो रही है जिसमें पूरा इंटीरियर का काम हो रहा है। ठीक है, मोस्टली अपने पास कौन से वेरियंट आया रखे हैं आज? Z2 है, Z4, Z2 में तो इसमें थोड़ा काम था, ये भी Z2 है, क्लासिक भी आई हुई है। बाकी मैं दिखाता हूँ जिसमें पूरा काम है, और एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन में पूरा इंटीरियर के साथ साथ काम हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेस टू टॉप भी आई है, देखो पंजाब से आई है, जो बेसिक नीड्स थी उन्हें करवाने की वो उन्होंने करवा के जा रहे हैं। उन्होंने 17 इंच एलॉय रूफ रेल, अंदर एबी हैंडल हो गए, और अपना फोक DRL हो गए, LD हो गई, जो बेसिक काम थे वो सारे इन्होंने कराए हैं। ठीक है, और बाकी जो अपनी Z2 एरी, एक क्लासिक खड़ी हुई है अपने पास, और ये देखो पूरी खुली पड़ी है गाड़ी। ठीक है, एरी, ये गाड़ी भी आप देख सकते हो, मेनली आई है बिहार से, बिहार नंबर, बिहार। ठीक है, बिहार से आई है। तो गाड़ी देखो पूरी खुली हुई है, डैम्पिंग इसके अंदर हो रही है। ठीक है, बैक में देखो डैम्पिंग पूरी कर दी है इसके अंदर हमने, अंदर बाकी डोर्स में भी डैम्प करे हुए हैं। हाँ, डोर में भी डैम्प है, देख सकते हो चारों डोर में डैम्प है। तो डैम्पिंग वगैरह करिए। तो देखो अंदर से कंडीशन, अभी पूरी फ्लोरिंग वगैरह सारी कर दी गई है इसके अंदर, और इसके अंदर इंटीरियर पूरा चेंज होने वाला है। इंटीरियर तो बंद उन्होंने लगा ही लिया होगा, आपने दिखाया तो वो देखो सामने स्टेयरिंग से पता लग रहा होगा, ये सबसे फेमस वाला अपना इंटीरियर है, काफी तो बहुत अच्छा गया था। मैंगो कलर है ये पूरा इंटीरियर, पूरा रियर गार्ड बाहर से फिट हो गया, क्रोम लग चुका है। ठीक है, स्किड फिट हो चुकी है, तो आउटर वाला काम मोस्टली हो गया, अभी हो चुका है, रूफ रेल सिल्वर इसमें फिट हो चुकी है। ठीक है, रूफ रेल भी हमने इंस्टॉल कर दी इसके अंदर, और Z2 वेरिएंट थी, तो हमने स्पीकर से कुछ अपग्रेड करा है या फिर नॉर्मल स्पीकर? नॉर्मल ही करा है, बाकी इसमें जो सिस्टम था वो थोड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम इसके अंदर देखो एंड्रॉइड ये वाला इंस्टॉल कर रहे हैं, जो OEM टाइप वगैरह अपना आने लगा है, यही वाला इंस्टॉल करेंगे, जो अभी है वो वाला उतार दिया हमने, उतार के चेंज कर दिया। बाकी पूरी गाड़ी अभी तैयार हो जाती है, पूरी इसकी ओवरऑल दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या काम हुआ। ठीक है, एक बार कंप्लीट हो जाए फिर दिखाते हैं। सो फाइनली कंप्लीट हो गई, और चामुंडा भैया ने ज्वाइन करा अब हमें। क्या हो गया चामुंडा भैया, हाथ में कैसे लग गई? नहीं, ऐसे दाना निकल रहा था। ठीक है, तो कंप्लीट हो गई अपनी Z2, बोल सकते हैं हम? बोल सकते हो, आपकी मर्जी, जो मर्जी बोल लो। ठीक है, ये Z2 वेरिएंट है, लेकिन दिख रहा है, कहीं से पता नहीं लग रहा। तो फिर Z2 बोलेगी। ठीक है, एक हेडलैम्प से चलो Z6 तक तो हमें यही हेडलैम्प मिलती है। तो बोल सकते हैं। ठीक है, सनरूफ से Z2 बोल सकते हो, Z4 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो फ्रंट से हमने क्या क्या काम करा है इसमें एक बार दिखा देते हैं। ऐसा क्या है जो नहीं किया? ठीक है, फ्रंट से मतलब एक Z6 तक पूरा कंप्लीट, उसमें भी फॉग लाइट नहीं होती। Z8 तक हेडलाइट छोड़ गई, हेडलाइट भी टॉप मॉडल वाला डलता, बट मैंने बोला था कि Z8 वाली हेडलाइट पर डालो, क्योंकि रोशनी उसके अंदर नहीं है। अगर फॉग लाइट आपकी अच्छी विजिबिलिटी वाली होती है तो टॉप मॉडल वाली हम हेडलाइट डाल सकते हैं। इसकी फॉग लाइट भी ऐसे लुक वाइज है, हेडलाइट में हम तो चाहिए रोशनी अच्छी। ठीक है, तो हेडलाइट में हम पहले बताते हैं Z8L वाली ब्राइटनेस के पर्पस के लिए बेकार है। LED लगवा लो, काफी अच्छा रिस्पॉन्स। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, नीचे फॉग लाइट है विद बेजल, फॉग लाइट टॉप मॉडल विद बेजल है, 10,000 में कंप्लीट फिटिंग करके जीरो टू टॉप करते हैं। तो ठीक है, बेस टू टॉप वाला ऑफर है ये, बिल्कुल। लोग 7-8 हजार में बेच रहे हैं, बट कॉपी बेच रहे हैं, महिंद्रा जेन्युइन नहीं बेच सकता। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, फॉग लाइट, हाँ, कभी भी महिंद्रा ओरिजिनल बिल के साथ मिलता, अगर बिल नहीं मिल रहा तो समझ लो लोकल। ठीक है, स्टार्टिंग में इसकी वायरिंग भी हमने आपको दिखाई थी, क्या वायरिंग की क्वालिटी, वायरिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं कैसी है। इसके अंदर हमने हेडलाइट की LED अपग्रेड कर दी है। ठीक है, ग्रिल की क्रोम 7 स्लॉट हमने ऐड कर दिए 3500 रुपए के अंदर। ठीक है, पियानो ब्लैक हमने इसमें कर दिया, देख सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन में आता है,
नीचे की हमारी स्कीड ठीक है, ये मैट ब्लैक में आती है, इसको हमने सिल्वर करा। हाँ, तो ये फ्रंट ये डबल लेयर पे, डबल लेयर है, डबल थ्री लेयर पेंट, थ्री लेयर ठीक है। और हमारा ये देख सकते हो साइड बम्पर कॉर्नर, जो हमारी गाड़ी कभी भी कटिंग होता है तो यहाँ से बचाव करता है ठीक है। ये ओरिजिनल महिंद्रा, हाँ ओरिजिनल महिंद्रा ठीक है। तो एक बार ये कॉम्बिनेशन के साथ वर्किंग है ये भी दिखा दो। मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। तो ये देखो पार्किंग जल चुकी है अभी और फॉग लाइट बंद है ठीक। ये लो बीम जल चुकी है, फॉग लाइट बंद है। तो लो बीम, हाई बीम जल चुकी है। तो एक बार लो बीम का रिस्पांस दिखाओ। ये देखो डिपर मारो ठीक है, ये रिस्पांस मिलने वाला है स्टॉक हैलोजन। अब फॉग लाइट देखो, ये देखो फॉग लाइट जल रही है, ऑफ करो एक बार, ऑफ हो गई। और हेडलैम्प्स अपनी ऑन ही है। हाँ ठीक। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ होता है वर्किंग। तो फ्रंट से यही करा हुआ है, एक कैमरा इसमें हमने 360 के लिए फ्रंट में डाल रखा है। 360 कैमरा आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, यहाँ माउंट करा हुआ है ठीक है। फ्रंट से बस यही है। हाँ, अगर साइड प्रोफाइल में हम आते हैं तो इसके अंदर 17 इंची अलॉय व्हील हम स्टॉक टायर के अंदर डालें। अगर आप 18 इंची अलॉय डालते हो तो उसके लिए आपको टायर चेंज करना पड़ता है ठीक है। ये सेम टायर के अंदर हो जाता है, फिर उसमें आपको ऑल टेरेन टायर में जाना पड़ता है। या तो C8 में जा सकते हैं, या अपोलो जा सकते हैं, ब्रिस्टोन जा सकते हैं, MRF जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो सी भी टायर लेते हैं उसके प्राइस अलग होता है ठीक है, टायर डिफरेंस अलग आता है। 54 की रेंज में आपको अलॉय मिल जाएगा हमारे यहाँ पे। अगर आप 0 टू टॉप करते हो तो 46 में अलॉय मिल जाएगा ठीक है। 46,000 में बेस टू टॉप वाला ऑफर है, और भैया को भी यही ऑफर में दिया गया, बेस टू टॉप वाले के लिए ऑफर है सही है। अगर साइड में आते हो तो मड फ्लैप जो कीचर रोकता है, अगर मड को ना कीचर यहाँ पे ना आ जाए ठीक है। ये टायर से ना ये स्पिल करता है, तो उसको ना बॉडी पे लगता है, बॉडी रखना है इसको बचाव के लिए लगाया जाता है। हमारा फुटरस लग गया ठीक है, जो महिंद्रा ओरिजिनल है 6,000 रुपए में ठीक है। ये ब्लैक वाला है, एक सिल्वर भी आता है इसके अंदर, पर हम मोस्टली ब्लैक प्रेफर करते हैं। अगर हम टॉप बना रहे हैं तो उसमें ब्लैक ही लगाया जाएगा। इसके अंदर हमने सिल्वर साइड ग्लाइडिंग भी कर दी है ठीक है। ये सिल्वर करा है, ये 4 पीस हुआ है। हाँ, ये Z6 से स्टार्ट होता है, Z4 के अंदर भी नहीं आता है ठीक है सही है। टॉप मॉडल की हैंडल हो गया हमारा, देख सकते हो रिक्वेस्ट सेंसर वाली जो एक्टिवेट नहीं है ठीक है। ये एक्टिवेटेड नहीं है, जस्ट एक डमी टाइप है। अगर आपको बाहर से लुक है फ्रंट में मिलेगा आपको, बैक साइड में नहीं मिलेगा ठीक है। साइड मिरर हमारा टॉप मॉडल वाला लग गया इसके अंदर, मैं आपको फोल्ड करके दिखाता हूं ठीक है। Z2 के अंदर अपना हाथ से ही आता था फोल्डिंग का, ये फोल्ड हो गया। भैया ना रिमोट से भी करवाए हैं ठीक है, तो भैया ने इसकी की बनवाई है। हाँ, ये देख सकते हो ठीक है। ये देखो लॉक करते ही फोल्ड हो गया, अनलॉक करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये चाबी जो भी बनता है हमारे ओन काउंटर बनता है। गाड़ी आपका हमारे एक बार अगर ब्रांच के अंदर आ गया तो गाड़ी कहीं हम लेके भेजते नहीं ठीक है। तो कोडिंग होती है इसके लिए, कोडिंग हमारा ओन काउंटर होता है ठीक। हम खुद कोडिंग करते हैं इसका, कोई कोडिंग बाहर से नहीं होता। और चाबी भी महिंद्रा की ओरिजिनल है, ये नहीं है कि हम अलग से कुछ ऐसा करते हैं, महिंद्रा की ओरिजिनल चाबी। महिंद्रा आपको दिखेगा इसमें सारी चीज, चामुंडा भैया के सामने देख लेना आप बिल्कुल भी चीज है। और इसमें रिले एड ऑन करी हुई है लॉक अनलॉक के लिए, ताकि ये फोल्ड हो पाए। हाँ ठीक है। तो साइड के लोअर गार्निश, वेदर स्ट्रिप लोअर गार्निश भी हम इसे बोल सकते हैं। चारों पीस रिप्लेसमेंट पार्ट है, महिंद्रा जेन्युइन पार्ट है ठीक। पीछे भी क्वार्टर पैनल पेस्टिंग है, ये पेस्टिंग वाला होता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो हमारी कई वीडियो में आप देख चुके हो, क्वार्टर पैनल चेंज होता है। हमारी लाडली में भी चेंज है ठीक है, लाडली में भी हमने चेंज, लाडली में भी चेंज है। वाइजर स्कॉर्पियो एन हाईलाइट वाले आपको देखने को मिलेंगे, आफ्टर मार्केट में आता है मोस्टली, यही ज्यादा चलता है। हाँ, सबसे ज्यादा बिल्कुल। रूफ रेल ठीक है, इसमें सिल्वर वाले रूफ रेल इंस्टॉल करे विद बोल्ट, 5,500 रुपए का बेस टू टॉप वाले के लिए ठीक है। 5,500 रुपए, 5,500 रुपए के बेस टू टॉप वाले के लिए ठीक है। लोअर गार्निश और 11,500 रुपए की साइड मिरर ठीक है। तो ये 5,500 रुपए में अपना क्वार्टर ग्लास के साथ है, मैं यहाँ तक ये सारा करके चल रहा हूँ ठीक है। तो साइड का हमने कवर कर लिया जो जो चीजें थी विद प्राइसिंग। तो अभी अपना मिरर वही प्राइसिंग में मिल रहा है, 11,500 में आप मिरर लगवा सकते हो बेस टू टॉप ऑफर में। अगर हम बैक प्रोफाइल में आते हैं तो इसके अंदर बैक प्रोफाइल के अंदर इसमें हम जो चाहिए होता सारा चीज करके दिए हैं, बट एक चीज की कमी रहने वाला है, इसके अंदर हमारा डिफॉगर नहीं मिलने वाला है ठीक है। अगर आप लोगों को डिफॉगर चाहिए होता है तो हमारे यहाँ पे लगता है, आप कई वीडियो में देख भी चुके हैं लगते हुए। स्पॉइलर हमारा टॉप मॉडल वाला लग गया, इसकी फिटमेंट 0-0 आप देख सकते हैं, कैसी फिटमेंट है इसकी, ये देखो कहीं से भी आपको आउट नहीं लगेगा, सेंटर से भी चेक कर लो ठीक है। और बॉडी कलर एग्जैक्ट मैचिंग भी है। और ये विद पेंट के साथ कॉस्टिंग बताएंगे, हां विद पेंट के साथ कॉस्टिंग है 6,500। तो बैक से विद कॉस्टिंग चामुंडा भैया ने बता दिया 6,500 में, आपको बता दिया विद पेंट ठीक। लोग क्या करेंगे, स्पॉइलर के अंदर एक चीज की बहुत बड़ी फ्रॉड हो रहा है, आप इसके अंदर जब भी चेक करोगे पीछे बोल्ट फिटमेंट होना चाहिए, डबल टेप नहीं होना चाहिए ठीक है। लोग स्पॉइलर के कॉस्टिंग कम करके आपको डबल टेप
पेस्टिंग वाले दिखाएगा, इसके बैक साइड में महिंद्रा की बैजिंग देख करके लगवाना। अच्छा, कॉपी भी आ गया इसमें। अरे भाई धड़ल्ले से लग रहा है बाजार के अंदर, मैंने अपने आंखों से देख करके हैरान हो गया। कल गया था बाजार के अंदर, मैं अपने आंखों से देख के हैरान हो गया। ठीक है, जब आप स्पॉइलर को निकालोगे तो उसके बैक साइड में 5 बोल्ट की स्पेस होगा। अच्छा, 5 बोल्ट की इतनी लंबी लंबी स्पेस निकला होगा नट लगाने के लिए। उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें डबल टेप लगा हुआ है। वो डबल टेप पेस्ट करके पीछे से 2 चाइना पेज टाइट कर देगा। ये चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, एक फेक वाला आप लाके दिखा देना कि कैसा होता है। मैं अगली वीडियो में पर्दाफाश कर दूंगा, ला करके दिखा दूंगा। ठीक है, वो दिखा देंगे। एक बाजार से मैं ला करके दिखा दूंगा जो लोकल क्या होता है और ओरिजिनल क्या होता है। ठीक है, मैं दोनों दिखाऊंगा। लोग बेस्ट टू टॉप करवाने बाजार में जाते तो है कि सस्ते मिल रहा है, सस्ते मिल रहे हैं, बट क्या चीज है ये ग्राहक ध्यान नहीं देते। कहते हैं हाँ सेम चीज तो लग रहा है बट कॉपी होता है, क्वालिटी का फर्क जब पता, जब 6 महीने 1 साल निकल जाए ना, जब इसका फाइबर हार्ड होकर क्रैक होने लगता है तब पता लगता है। ठीक है, तो बाद में हमने इसमें एक डिफॉगर ऐड नहीं है लेकिन वाइपर है विद वाटर स्प्रेयर। वाइपर 7500 में विद वॉशर एक्टिवेट है। ठीक है, एक्टिवेटेड है। पीछे भी आपको यही क्रोम हैंडल मिलेगा, क्रोम हैंडल मिलने वाला है। बम्पर क्रोम आपको 2500 रुपए में मिलने वाला है। ठीक है, रिफ्लेक्टर अफ्टर मार्केट में आ गया और बम्पर गार्ड महिंद्रा जेन्युइन है, पीछे स्कीड प्लेट भी है। ठीक है, तो एक बार वर्किंग दिखा देते हैं इन सब की। हाँ बिल्कुल, वर्किंग दिखाएंगे हम। ठीक है, अभी तो जैसे रिफ्लेक्टर जल रहे हैं तो ऑन करोगे तो इस टाइप की कुछ स्कैनिंग आएगी इसमें। ठीक है, ब्रेक वगैरह में डार्क हो जाता है। तो ये देख सकते हो वाइपर की वर्किंग। तो अभी पानी कम है। हाँ पानी कम है अभी। ठीक है, पानी कम है, वाटर हमने कम डाल रखा है इसके और अंदर। ये देख सकते हो ऑटो कट मैंने बंद कर दिया और अपनी जगह पर जाकर के रुक गया। ठीक है, सेम पोजीशन में आगे रुकेगा। हाँ ठीक है, तो यही ऑटो कट फंक्शन होता है। हाँ, बैक से यही सारा काम। सीट कवर की फिटिंग दिखाऊं, कस्टमाइज सीट कवर किसे बोलते हैं। ठीक है, अभी पीछे सामान पड़ा है भैया का। ये लो ओरिजिनल कारपेट वगैरह पूरा। ये देखो ये बैक वाली सीट्स है, ये ओरिजिनल पॉकेट वगैरह पूरा आपका ये सब यूज में आ रहा है। ठीक है, ये पॉकेट वगैरह भी। हाँ ठीक, ये भी यूज में आ जाएगा आपका। एक बार फ्रंट से दिखाएंगे तब कस्टमाइज्ड। ठीक है, एक बार अंदर लेके चलते हैं। चामुंडा भैया दिखा दे एक बार अंदर से क्या है। दिखा दो। तो ये देखो अंदर क्या है। तो ये आप लोगों का फेवरेट वाला जो सबसे ज्यादा पसंद करा है एन में, वही वाला सेम इंटीरियर आज इसमें भी हुआ है। बिल्कुल। तो चामुंडा भैया वही वाली वीडियो से कितनी सारी हमने ये सेम कलर की गाड़ियां कर दी। लमसम अभी हमारा 20-25 गाड़ी हो चुका है। 20-25 सेम कलर का। इस कलर का। ठीक है, तो ये कलर सबसे ज्यादा पसंद करा है। अब एक एक डिटेल में बताते हैं इसमें कौन सा हमने पेंट पार्ट है, कौन सा लेदर। ये जो पार्ट है हमारा पेंट है, इस पे लेदर फिनिशिंग नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये अपना पेंटेड पार्ट है, यहाँ ओल्ड में आता था ब्राउन। हाँ, और ये सॉफ्ट टच हमारा लेदर है। ठीक है, ये नहीं आता था, ये एक्स्ट्रा ऐड ऑन करा हुआ है। और इसकी सिलाई की फिनिशिंग चेक करो। ये देखो फिनिशिंग इसकी, ये K4 एंबिएंस लाइट। ठीक है, इसमें रेनबो मोड आ जाता है। ये दिखाता हूँ रेनबो मोड, दिखाता हूँ। ये बंद कर दिया जैसे एक्टिवेट किए। ये देखो ये वाला मल्टी कलर ऑप्शन मिल जाता है। अब आप बोलोगे कि टॉप मॉडल में सिल्वर आता है, ये सिल्वर आता है, ये ब्लैक क्यों? तो इस कलर के अंदर ब्लैक जो उभर के आएगा वो सिल्वर नहीं आएगा। ठीक है, सिल्वर बहुत ऑड लगेगा। हाँ, इसके अंदर तो ब्लैक के साथ ये टोन ज्यादा, ये टोन कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। तो हमने ये पूरा पियानो ब्लैक विद कटोरी करके दे दिए, ये डी हैंडल कर दिया। ठीक है, ये हमारा पियानो ब्लैक है और ये जो हमारे स्विचेज है ये पियानो ब्लैक टॉप मॉडल वाले हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट मैच कर गया स्विच के साथ। और ये ट्यूटर सेस लग गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये Z2 के अंदर नहीं आता ना। जैसे हम अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पे वेलकम लाइट देखने को मिलेगा, 7 फ्लोरिंग और GFX मैट नीचे। ठीक है, फ्लोरिंग हमने दिखाई थी आपको स्टार्टिंग में, उसके ऊपर हमने GFX के मैट्स इंस्टॉल करे हुए हैं और उसके ऊपर ग्रास लगा रखा है ये। तो चामुंडा भैया के चढ़ने के लिए एक चीज और इंस्टॉल करिए, ग्रैब हैंडल्स जो फिर जरूरत पड़ गई साहब। ठीक है, तो ये देखो दोनों साइड मिलेगा आपको, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी हाइट में ज्यादा है तो ये चाहिए ही, जरूरी पड़ता है। लीजेंडर में भी आता है। ठीक है, थार में लोग लगाते हैं अलग से। इसके टॉप मॉडल में भी आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लगा देते हैं। तो Z2 वेरिएंट में नहीं आता। हाँ, Z4 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम इसके अंदर इंस्टॉल करें। हाँ। तो बाकी एक बार इंटीरियर देख लो इसका, सीट कवर की फिटिंग वगैरह। चामुंडा भैया ये सुपर फाइन क्वालिटी है, मतलब कि एक अगर आप Z8 भी ले लोगे तो ऐसी क्वालिटी फिटिंग नहीं मिलने वाली उसमें भी, जो तो देगा ना। ठीक है, हमने कंपैरिजन वीडियो भी दिखा रखी है Z8 वाली सीट के। बिल्कुल, तो ये भी देखो आप, ये कलर कितना प्यारा लग रहा है और डिजाइन भी देख लो। ये हेडरेस की फिनिशिंग देखो। ठीक है, एक बार चामुंडा भैया खोल के दिखाते। ये देखो ये हेडरेस की फिनिशिंग आप चेक करो एक बार। ठीक है, स्टिचिंग की क्वालिटी वगैरह देखो, ये बैक साइड में देखो। तो देख सकते हो आप, कोई एल्फी का यूज नहीं होता। एक चामुंडा भैया वो जिप वाला भी आता है,
इधर से? हाँ वो बाजार में मिलेगा आपको, हमारे यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, वो मतलब कि कैसा होता है? OEM फिटमेंट मिलेगा। OEM फिटमेंट है, ठीक है। बाकी देखो लॉक्स वगैरह भी देखो प्रॉपर, देखो ये कस्टमाइज सीट है। अगर आप हमारे यहाँ पे कस्टमाइज नहीं बकेट फिटमेंट भी लेते हो तो उसके अंदर भी आपको जीप पैसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। अच्छा, उसमें भी जिप वाला, उसमें भी एक अलग फिटमेंट आएगा। ठीक है, ना एल्फी ना जिप, ये कुछ सब अवॉइड कर रहे हैं। बाकी फिटमेंट के मामले में देखो क्या फिटमेंट है, फ्रंट नहीं बैक भी। लोग इतने दूर दूर से हमारे पास जो आ रहे हैं ना काम करवाने, मेन फिटिंग के लिए करके आ रहे हैं। ठीक है, एक बार बैक की सीट भी दिखा देते हैं। बैक की सीट दिखाओ, बैक की क्वालिटी देख लो, बैक की फिटमेंट ये पीछे देख लो, पूरे नीचे तक दिखाएंगे, कारपेट भी प्रॉपर टक इन है। एक कॉर्नर दिखाओ वहाँ पे, कॉर्नर वो कॉर्नर कॉर्नर यहाँ पे एंड पॉइंट में कॉर्नर। ठीक है, ये एंड पॉइंट देख लो, यहाँ पे बहुत सारे रिंकल्स आते हैं और देखो इसमें ओरिजिनल कारपेट ही यूज करा गया है, कोई सीट कवर नहीं मुड़ा हुआ। आर्मरेस्ट दिखाओ। ठीक है, आर्मरेस्ट भी दिखा देते हैं। आज आपके नंबर कटवा दो, कहीं ना कहीं तो ढूंढता हूँ कुछ। अरे इसको तो छोड़ दो, यहाँ देख लो बीच में। ठीक है, ये देखो सेंटर में भी देखो फिटमेंट इसकी, कहीं से भी आपको आउट नहीं लगे कि मेन ये वाला पोर्शन है, ये भी आपको ना थोड़ा सा रिंकल वाला दिखेगा इसके अंदर। कटवाओगे मेरा पॉइंट? नहीं, मैं देख रहा था ना कहीं तो आपके कटवाने के लिए। ठीक है, फिटिंग के मामले में आपको टॉप मोस्ट क्वालिटी मिलने वाली है, ये कस्टमाइज सीट्स है। हाँ ठीक है, ये वाले में क्वालिटी मिलेगी? हाँ, ये वाले में क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा मिलता है। हमारे पास अगर बकेट फिटमेंट सीट कवर है तो इसको हम चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी चैलेंज कर सकते हैं हमारी बकेट सीट को। अच्छा, बकेट वाले इसको भी चैलेंज कर सकते हैं? तो हम जितने भी रिंकल फ्री सीट कवर दिखाते हैं ना, बकेट सीट कवर हमारा। ठीक है, जिसको कस्टमाइज लोग समझते हैं। ठीक है, पीछे की फिटिंग कैसी लग रही है आप बता सकते हो? किसी भी चीज की कमी है, चामुंडा भैया के नंबर कहाँ काटना है वो भी बता देना, जो मेरे से मिस हो गया हो। तो चामुंडा भैया एक बार बैक से दिखाते। तो चामुंडा भैया आराम क्यों कर रहे हो, अभी तो वीडियो बाकी है। अरे कंफर्ट सीट है ना। अच्छा, रेस्ट कर रहे हो? हाँ, तो इस गाड़ी में फ्रंट में देखने का ही तो मजा है। ये देखो बोरिंग इंटीरियर हुआ करता था इसका, पर हम रहने नहीं दिए, लेजेंडर बना दिए इसको। ठीक है, लेजेंडर बना दिया। ठीक है, उसमें इसी टाइप का लगभग सेम ही कलर आता है कॉन्ट्रास्ट। वो फ्रंट का व्यू आपने देख लिया है, बैक साइड से कैसा लुक आ रहा है एक बार फ्रंट से दिखाते हैं क्या क्या चेंजेस इसमें हमने करा। तो अब आ चुके हैं फ्रंट साइड में, फ्रंट साइड से दिखाते हैं क्या क्या करा हुआ है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है स्टीयरिंग कवर। ठीक है, हम डेली यूसेज के हिसाब से स्टीयरिंग कवर हम इंस्टॉल करते हैं। तो स्टीयरिंग कवर भी जो हम इंस्टॉल करते हैं उसका भी क्वालिटी देख सकते हो। ठीक है, एक आता है फुल ब्लैक, एक आता है आप ये पूरा यही वाला कर सकते थे, इसको हमने मून डिजाइन में करा हुआ है जो कि ड्यूल टोन में आता है, काफी अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, ये काफी अच्छा लग रहा है देखने में और सीट कवर के अकॉर्डिंग इंटीरियर के अकॉर्डिंग भी मैच कर रहा है। एसी वेंट भी हमने जो पियानो कर दिए है। ठीक है, पियानो कर दिए, MID पियानो है। आपको लग रहा होगा Z2 में तो ये आता ही है, ये लाइट शेड में आता है थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा डल में आता, हमने लाइट कर दिया, पियानो कर दिया हमने, डार्क कर दिया। हाँ, हमने पियानो कर दिया, पहले मैट आता था, थोड़ा सा लाइट फिनिश था ग्लॉस में ही, लेकिन थोड़ा लाइट डल था। ठीक है, उसको हमने हाइड्रोडिप दोबारा से करा ताकि ग्लॉस इसका ज्यादा आए। ठीक है, सेम अकॉर्डिंग हमारे जो अंदर का है सेंटर कंसोल, सेम वही हमने इस तरीके का आता था। ठीक है, ये वाली लाइन आता था इस टाइप का, ये जो मैट फिनिश है ये देखो इसमें आता था, इसमें और इसमें डिफरेंस आपको काफी दिखेगा, यही एक मेजर डिफरेंस है। इसमें हम चाहते तो सिल्वर वाला भी लगा सकते थे, लेकिन ऑड लगेगा, ऑड लगता है क्योंकि सिल्वर सिर्फ में यहाँ पे एक दिया है स्टीरियो के फ्रेम में। ठीक है, लेकिन ये सिल्वर भी थोड़ा सा मुझे ऑड लग रहा है, कस्टमर की डिमांड थी या आपने? मैं पियानो ब्लैक करवा रखा था, कस्टमर कह रहा है नहीं मेरे को ये सिल्वर चाहिए क्योंकि नोब के हिसाब से मैचिंग हो रहा और ये सिल्वर मैचिंग हो रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कस्टमर ने करा, क्या पता उनकी भी थोड़ी सी अच्छा कह रहे, वो कह रहे थे पहली बात तो जो मर्जी कर दो, फिर लड़के ने लगा दिया तो कह रहे कि मेरे को अच्छे लग रहे हैं। तो ठीक है, पहले हमने ये गलती से ये वाला लगा दिया, लेकिन अब वो बोल रहे कि ये ज्यादा बेटर लग रहा है, तो हमने ये वाला इंस्टॉल करा। और सेंटर से आपको लग रहा होगा ये स्टीरियो कौन सा है और ये पियानो ब्लैक भी कैसे आ गया, ये देखो किसी भी Z2 में हमने वो वाली स्क्रीन रहने नहीं दी। Z2 से आती है, Z2 आते सबसे पहले हम वो स्टूडियो निकाल के फेंक देते हैं। ठीक है, वो फेंक ही देते हैं क्योंकि यूसेज कुछ भी नहीं। अगर है अगर वो फेंकते हुए देखना आपको तो हमारी वीडियो इंस्टाग्राम में देखना पड़ेगा आपको, कैसे फेंकते हैं चामुंडा भैया चीजें इसके अंदर की निकाली हुई। तो बात करें इसमें हमें एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, यूट्यूब वगैरह सारी चीजें मिल जाती है, ये फुली एंड्रॉइड है। जेड लिंक भी आ गया, डिस्नी भी आ गया, फोन लिंक आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया, असिस्टेंस आ गया, और मेन चीज जो अपर वेरिएंट्स में जैसे नॉब्स आते हैं सेम इसमें आपको नॉब वगैरह मिल जाता है, और उसमें क्या है छोटी सी स्क्रीन ही मिलती थी। तो यहाँ से अगर अंदर जाके भी कोई बाहर से देखेगा तो लगेगा कि ये ऊंचा वेरिएंट है कोई, अपर वेरिएंट है। ठीक है, जो एड्रिनोक्स वाली स्क्रीन है वैसा समझेगा। ठीक, तो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी हमने इंस्टॉल करा क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ऑप्शन आता ही नहीं है, बैक में होता है एक।
ठीक है। 12 वोल्ट का सॉकेट हमने यहाँ इंस्टॉल कर दिया, आप भी करवा सकते हो, इजीली एक्सेस कर सकते हो, चार्जिंग वगैरह आपको करनी हो ना यहाँ पे, तो ये भी एक ऑप्शन है। बिल्कुल ठीक है। तो चामुंडा भैया अंदर से ये पूरा लेदराइट है, सेंटर का पार्ट लेदराइट है बिल्कुल, इसकी स्टिचिंग देख सकते हो कितनी प्यारी है। ये देखो फिटमेंट देख लो, और एम्बिएंट लाइट एक यहाँ पे हमने लगा रखी है इसकी सेंटर में, ठीक है। तो अंदर इसके अलावा यहाँ पे सोनी की सेंटर स्पीकर भी लग सकता है, भाई सब नहीं लगवाए हैं, और ये सॉफ्ट टच हमारे यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये सॉफ्ट टच करा हुआ है हमने, एक्स्ट्रा फोमिंग के साथ करते हैं, जो कि ZATL में भी नहीं मिलता हमें। हाँ, और ये ZATL वाली हमारा सनग्लास होल्डर, ठीक है। ये देखो ये जो Z6 पे आता है, Z6 से ही आना शुरू हो जाता है ये वाला, बिल्कुल ठीक है। ये वाला मिल गया, देखो सनरूफ का ऑप्शन है, पर सनरूफ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये वाला इंस्टॉल करा, मतलब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है इसमें भी दो, बिल्कुल ठीक है। सनशेड भी एक ऑप्शन था, यहाँ पे सनशेड आया था हमारा, ठीक है, लाइट के साथ लगवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो जो था एक बार 360 की दिखा देते हैं हम। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, इसके अंदर बहुत जल्दी धमाका लाने वाला, ठीक है, कुछ नई चीज, कुछ अलग, वेट करो उसका क्या आने वाला है। हाँ, वीडियो देखते रहना इसके लिए। तो चामुंडा भैया अब इलेक्ट्रॉनिक सीट भी अपने पास अवेलेबल होने लग गई है जय ऑटो पे। हाँ, अपनी लाडली में फिट हो चुकी है, ठीक। तो अपना ये तो मैंने सारा चीज दिखा दिया, ठीक है। हम अपनी लाडली में आपको एक नई चीज दिखा देते, इलेक्ट्रॉनिक सीट, ठीक है। हाँ, आप शायद वीडियो में देख रखे होंगे, इसी वीडियो में अगर आपको देखनी है तो मैं दिखाता हूँ। जिसने नहीं देखी अभी, अपने पास लाडली खड़ी है पीछे, मैं दिखा दूँ, एक बार दिखा दे, दिखाता हूँ। तो आ गए हम अपनी लाडली की तरफ, तो देखी होगी आपने, गाड़ी पहचान रहे होगे, गाड़ी पहचान रहे हो, मैं कह रहा हूँ ये गाड़ी की तोड़ नहीं है, ठीक है। ये गाड़ी आपको वीडियो में जैसी मर्जी दिख रहा होगा, ये गाड़ी अगर एक बार आप आकर के दुकान पे आकर के गाड़ी देख लो, हमेशा देखने को मिलेगा। जिस भाई को भी गाड़ी देखनी है, इस तरीके की बनानी है, दुकान पे आकर पहले गाड़ी आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो इस तरीके का काम करवा सकते हैं आप अपनी गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो मैं जिस पॉइंट पे आया के लिए आया था यहाँ पे, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सीट, ये तो हमारी हो गया है अपनी, इसके अंदर बैक सपोर्ट के लिए, ठीक है, बैक सपोर्ट के लिए हो गया ये वाला। ये देखो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सीट, ये देखो फ्रंट में आ रही है, है कुछ ये बैक जा रहा है, ये रिक्लाइन हो रहा है पीछे, ठीक है, ये आगे हो रहा है रिक्लाइन, ये आगे हो रहा है, ये देख सकते हो ये सीट नीचे की तरफ जा रहा है, और ये फर्स्ट टाइम रहने वाला है, और ये अप हो रहा सीट ऊपर, ठीक है। हाइट एडजस्टिंग तक नहीं आती थी Z2 की, इसमें 6 फीचर है, फ्रंट रियर हाइट एडजस्ट, अप डाउन, सीट रिक्लाइन, बैक एंड फ्रंट पूरी, ठीक है। और बैक सपोर्ट का भी है एक, हाँ बैक सपोर्ट का ही हो गया, बैक सपोर्ट का मैनुअली है, ये रहा ना, ये रहा मैनुअली आता है। तो चामुंडा भैया ZATL में मिलता है ये हमें? हाँ, ZATL में मिलता है, ठीक है। हाँ, तो वो वाला फीचर भी हमने इसके अंदर एड ऑन कर लिया। गाड़ी के अंदर एक लुक देख सकते हो, पूरे ZBlack गाड़ी के अंदर, ठीक है। एक जो हमारा वाइन कलर बोल सकते हैं, या फिर पीच कलर बोल सकते हैं, पीच बोल सकते हैं, या फिर इसको हम थोड़ी सी कैमरे में कुछ अलग कलर दिख रहा है, लेकिन आप रियल लाइफ से देखोगे ना, ये कलर आपको काफी अट्रैक्टिव लगेगा, इसकी जवाब नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप करवा सकते हो Z2 के अंदर, ठीक है। अब वापसी स्विच होते हैं अपनी वाली Z2 के अंदर। तो जाते जाते इसमें अभी एक बैज, अब दुल्हन के सिंगार हो रहा है, लास्ट टाइम और एक्सप्लोर, ये बिंदी लग रहा है, ठीक है, बिंदी लग रही है, और ये टीका, ठीक है। ये देखो एड्रिनॉक्स का स्टिकर भी लगा दिया हमने, तो Z2 को Z2 रहने नहीं दोगे, ये डायलॉग आपको बहुत अच्छा लगता है, हर गाड़ी में हम लगाते रहते हैं, वीडियो में सब गाड़ी में नहीं दिखता होगा, अब देख रहे होगे जैसे हमारी वीडियो बनने के बाद लास्ट में लगा रहा हूं, वो हमारी नजर में आ गया, ठीक है। तो अंदर हमने सारा कंप्लीट कर लिया, एक एक चीज दिखा दिया, 360 का एक बार लास्ट बार दिखा दो, हमने दिखा, हाँ, एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देखो जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको ये दिखेगा 360, बिल्कुल, ठीक है। ये बैक साइड, ये बैक साइड, साइड, ठीक है, साइड, दोनों साइड हो गया, फ्रंट हो गया, ठीक है। और ये कितना जरूरी है देख सकते हो आप पार्क करते वक्त, तो एक बार आपको इसका दिखा देते, ये 3D मोड है अपना, हाँ, ठीक है। एक बार आप राइट लेफ्ट दिखाना, एक बार इसमें, ठीक है, ये राइट लेफ्ट अगर देखना है आप ऐसे देख सकते हो, और मैन्युअली भी देखना है वो भी देख सकते हो आप, ये देखो ये साइड है, ठीक है, साइड में आप टायर भी कट जितना करोगे, ये देखो दिख रहा है आपको, इसको आप राइट की तरफ काटेंगे तो देखो पूरा अलॉय व्हील दिख रहा है यहाँ से। तो ये मेनली हाईवे वगैरह या पार्क कर रहे हो या गली वगैरह में जा रहे हो तो काफी यूजफुल, ठीक है। ये Z2 के अंदर ये फीचर मिल जाएगा ऐसा तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये लगवाना पड़ेगा आपको, उस वाले में तो मिल ही नहीं सकता जो इसमें आ रहा है, ऑटो वाले दे रहे हैं ना जी, ठीक है, हम इसमें इंस्टॉल करके दे रहे हैं। बाकी हमने इसके अंदर A to Z जितनी चीज थी सारी दिखा दी, ठीक है। एक बार आपको क्वालिटी भी दिखा देते हैं इसमें, वीडियोज वगैरह की क्वालिटी देखो,
ये देखो, तो ये एच डी में है या 4K है? 2K 2K है, ठीक है। तो रेजोल्यूशन वगैरह देख सकते हो आप, तो साइड से भी आपको ये नहीं कि ब्लैक आउट दिखेगा, कहीं से भी देखो। 2K से भी ऊपर की वीडियो देखना दिख रहा है तो ठीक है, कहीं से भी देख लो आपको ब्लैक ब्लैक स्क्रीन नहीं दिखेगी, जो फेक होते हैं ना जो 1080 भी सपोर्ट नहीं करते, देख रहे हो। तो ये क्वालिटी मिलने वाली है हमें एंड्रॉइड में, जो कि आपको पुराने वाले में मिल ही नहीं पाती। मैं कहूँ रियल, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे रियल हो रहा है हमारे सामने। ठीक है, एकदम रियल लाइफ से जैसे देख रहे हो ना, जैसे टीवी में देखते हो आप, वैसे ही लग रहा है। तो चामुंडा भैया, सारी तो हमने चीज दिखा दी, एक बार कस्टमर का भी फीडबैक जानते हैं क्योंकि वो इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हैं। हाँ बिल्कुल, फीडबैक हम देते हैं। ठीक है, एक बार दिखाते हैं। सो फाइनली कंप्लीट हो गई अपनी Z2। चामुंडा भैया Z2 बोल लूं? बोल सकते हो तुम? बोल सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे को मालूम है Z2 था। ठीक है, तो अपने साथ ओनर है, भैया का नाम जानते हैं सबसे पहले। रत्न सिंह भैया। ठीक है भैया, आपका? अभिजीत सिंह। कहाँ से ट्रैवल करके आए हो? हम लोग सर पटना से आ रहे हैं। पटना से आ रहे हो, कितने किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है? सर 1100 हो रखे। 1100 किलोमीटर एक साइड है। बिल्कुल, आपको पता कैसे लगा यहाँ पे आने के लिए? भाई वीडियो और आप मेरे घर के ही है। ठीक है, ये भी है, नेबरहुड में ही है। चामुंडा भैया, मैं भैया से 70 किलोमीटर आगे। ठीक है, 70 किलोमीटर और प्लस और आगे मैं मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो 1100 किलोमीटर ट्रैवल करे, आपको ट्रस्ट था कि एक वीडियो देख के मैं जा रहा हूँ इतनी दूर? बिल्कुल बिल्कुल ट्रस्ट था। ठीक है, ट्रस्ट था। तो यहाँ पे जैसे ही आप आए, आपने देखा काम होते हुए सारी चीजें? हाँ, वो सारी सारी चीजें वाच किया है। ठीक है, आपके सामने ही हुआ है सारा काम? सारा चीज, सारा चीज। ठीक है, ऐसा तो नहीं किसी रोड में हम बैठ के कर रहे हो? नहीं नहीं, आपकी गाड़ी था आज तो। चामुंडा भैया ने हमें डिनर भी कराया। ठीक है, डिनर भी कराया। ठीक है, तो चामुंडा भैया के पास काफी अच्छी फैसिलिटीज मिल जाएगी, ये नहीं कि सिर्फ काम करके आप घर जाओगे, बाकी जैसा हम वीडियोस में दिखाते हैं वैसे ही काम आपको यहाँ मिला? बिल्कुल बिल्कुल, किसी चीज की कोई कमी? बिल्कुल, वन सेट के अंदर ही काम हुआ। ऐसा तो नहीं चाबी कोडिंग होने के लिए गाड़ी कहीं शोरूम भेज रहा हूँ, कहीं भेज रहा हूँ? नहीं, ये तो आपने ही रिक्वायर्ड किया था कि भैया यही खड़ा रहो, चाबी कोडिंग वाला आ रहा है। हाँ यही यही, और यही पे आगे करके गया। सही है, गाड़ी हम शेड से बाहर भी नहीं निकाले। ठीक है, प्रॉपर शेड के अंदर काम हुआ है। तो महिंद्रा प्रोडक्ट सारे यूज करे थे चामुंडा भैया ने आपको दिखाए? ऑलमोस्ट सारे, जिस जो अगर आउट ऑफ मार्केट था उन्होंने बताया कि ये आउट ऑफ मार्केट का है भैया, बाकी मतलब ऑलमोस्ट तो सारे महिंद्रा का ही थे। जो Z8 में जितना पार्ट्स आता है वो महिंद्रा का लगता है, उसके बाद एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन जैसे कि हमारा रिफ्लेक्टर लाइट आ गया, पियानो ग्रिल आ गया, 360 कैमरा हो गया, सीट कवर्स आ गया, मैटिंग आ गया, ये सब हमारा एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन में आता है, तो आफ्टर मार्केट आइटम होगा, महिंद्रा जेन्युइन नहीं मिलेगा। वो अपन सेटिस्फाइड है, अच्छे से सेटिस्फाइड है। अब ये मत बोलो भैया बार बार Z2। अच्छा, भैया को गुस्सा आ गया, Z2 मत बोलो। अब भैया को, भैया को, भैया इतने पैसे खर्च करने के बाद कह रहे हैं कि लीजेंडर प्लस इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, इंटीरियर में लीजेंडर प्लस और म्यूजिक सेटअप और जो भी काम बाकी किए हैं Z8L+। ठीक है, Z8L+ बोल सकते हैं मॉडल, लग्जरी प्लस बोल दो जो। भैया आपका प्लान था ये वाला इंटीरियर करवाना या थोड़ा सा गाइडेंस लिया आपने चामुंडा भैया से? ऑलमोस्ट प्लान में था और फिर गाइडेंस किया, और अच्छे से गाइडेंस किया चामुंडा भैया ने, अच्छा समय दिया। ठीक है, इन्होंने जैसा हम लास्ट में हमेशा चलते हैं नंबर की तरफ, क्या बोलूं, नंबर में 14-15 दे दो। 10 में से अब कितने हो? लेना ही 10 में से हमें। हम 10 में से लेते ले लो यार, 10 तो कम ही पड़ेंगे मेरे हिसाब से। देख लो, लेट कर दिया चामुंडा भैया ने, काटना है तो काट सकते हो आप कुछ नंबर। कैसे काटू भैया, भैया ने तो डिनर भी कराया, ऑलमोस्ट महिंद्रा का सामान भी डाला, आप बोलो तो कुछ क्या कम करो, 11 कर लो। नहीं मैं तो कम करवा रहा हूं, बढ़ा रहे हो। मैं कह रहा हूं, मैं पिछले टाइम से कुछ इस तरीके से काम में कम बैक किया हूं, बीच में मैं थोड़ा सा लड़खड़ा गया था क्योंकि मेरा तबीयत खराब रहता था, जिसमें मेरा रेटिंग भी कटने लगा था, बट मैं भी जब जैसे मेरा तबीयत सही हुआ उसके बाद मैं कम बैक किया हूं, तो काम पे मेरा मेन फोकस होता है, काम में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। बाकी दिन में अगर 10 गाड़ी आता है तो 1-2 ग्राहक संतुष्ट भी होकर के जाते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे 10 के 10 ग्राहक संतुष्ट होकर जाता, कोई नहीं करके दे पाएगा, ऐसा 10 उंगली एक जैसा नहीं होता, 1-2 होता है ऐसा, जो आप आओगे तो आपके सामने भी देखने को मिल सकता है कि कई छोटे छोटे काम वाले सब ऐसे कई बार होता है, संतुष्ट नहीं हो पाता। हम जैसा बोलते वो भी इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम वीडियो में बता रखे हैं जैसे 10,000 रुपए की फॉग लाइट 46 का अलॉय A2Z के लिए, अब वो आते हैं दो काम मांगने, कहते हैं फॉग लाइट आप 10,000 रुपए का, तो वीडियो में बोल रखे हो, मैं वीडियो में बोल रखा हूँ कि सिर्फ फॉग लाइट लगवाने, 2-4 काम करवाने, कुछ व्यूअर्स स्किप कर करके देखते हैं, 14,500 रुपए की फॉग लाइट मिलने वाला है आपको। ठीक है, अगर बेस टू टॉप नहीं करवा रहे, सिंगल आइटम ले रहे हो, सिंगल आइटम में आपको 14,500 रुपए मिलने वाला, ये चीज आप ध्यान रखो। तो वही जो आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है हमें समझाने में, तो फिर वहाँ पे दिक्कत आता है। ठीक है, अब वीडियो लेंदी हो रही है ज्यादा, एंड करने का टाइम आ चुका है, तो भैया आपकी साइड से कोई भी देख रहा है रेकमेंड करोगे बिहार साइड से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
ठीक है, इन फ्यूचर दोबारा मौका मिले विजिट करोगे? इन फ्यूचर आज बात हो रही थी चमुंडा भाई से, हम बोले कि आप फॉर्चूनर में काम करते हो, तो इन्होंने बोला फॉर्चूनर भी लाइए भैया, मैं लेजेंडर बना के दूंगा। इनका फॉर्चूनर है, लेजेंडर में कन्वर्ट करो, लेजेंडर कन्वर्ट करना, तो बोला ठीक है ले आना, कोई बात नहीं कर देता हूँ। ठीक है भैया, अगर आया तो होप सो आपको वीडियो भी दिखा देगी कन्वर्शन की, कन्वर्ट भी करते हैं उसका, लेजेंडर का भी वीडियो आपको हम दिखा देंगे। ठीक है, तो अब वीडियो को एंड करते हैं, कहाँ आना पड़ेगा? जय ऑटो रामा रोड मोती नगर डीएलएफ के पास आना होगा, जहाँ पे मिलेगा चामुंडा भाई और सोनू भाई, सुबह 10 से रात को 9 हमेशा मिलेगा आपको। ठीक है, ये कॉलिंग टाइम है? हाँ, 9 बजे क्लोजिंग टाइम। अगर काम कई बार होता है आप, जैसे कि 11:30 बज गया काम होते होते, इनको दूर निकलना था, सेम डे निकलना था, हम रुक गए, नहीं तो हम 9 बजे क्लोज करते हैं। ठीक है, तो एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।